गवर्नमेंट सब्सिडीज़ का मतलब ये होता है, इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव टैक्सेशन। टैक्सेशन के अंदर तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर से या प्रोड्यूसर से या पब्लिक में से किसी का, पब्लिक में से चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो कोई भी हो, उनसे वो टैक्स जो है वो टैक्स उन पर चार्ज करती है और टैक्स रिसीव करती है। लेकिन सब्सिडी क्या होती है कि बजाय वो टैक्स देने के वो जो है वो लोगों को पैसे दे रही होती है। सॉरी, गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं, वो लोगों को पैसे दे रही होती है, इस वजह से हम उसको सब्सिडी कह रहे होते हैं, राइट। अच्छा, इफेक्ट ऑन प्राइस, जाहिर बात है कि जब ये सब्सिडीज़ देने की वजह से क्या होता है कि उसकी कॉस्ट पे फ़र्क आता है, जब कॉस्ट पे फ़र्क आएगा तो जाहिर है कि फिर उसका अल्टीमेटली आउटपुट पे फ़र्क आएगा, जब आउटपुट पे फ़र्क आएगा तो सप्लाई, एंड सप्लाई मीन्स कि उसकी प्राइस के ऊपर भी जो है वो, जो मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रही होगी उसके ऊपर भी जो है वो इफ़ेक्ट आएगा उसका। अब यह है कि जनाब, इन द सेंस ऑफ अ सब्सिडी, सब्सिडी पे किसको की जाती है, ठीक है ना। दिस इज़ एक्चुअली द क्वेश्चन कि जिस तरह से टैक्स है कि अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आता है, हु इज़ पेइंग मोर टैक्स। अगर किसी कोई टैक्स गवर्नमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है जिसका इफेक्ट है प्राइस के ऊपर आता है, तो वो कंज्यूमर पे कर रहा है या प्रोड्यूसर पे कर रहा है या दोनों पे कर रहे हैं, तो उसमें से कौन ज़्यादा पे कर रहा है, कौन कम पे कर रहा है, या किसके ऊपर जो है वो ज़्यादा उसका बर्डन आया है। तो बिल्कुल इसी तरह से सब्सिडी का भी है कि जनाब, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देना किसको चाह रही है, फार्मर्स को देना चाह रही है या कंज्यूमर्स को देना चाह रही है, ठीक है। तो इस वजह से जाहिर बात है वो उसको ऑब्जेक्टिव को देखते हुए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही होती है। हम जो यहाँ पर एनालिसिस करेंगे इसके अंदर, हम ये कहेंगे नहीं कि नहीं जनाब, गवर्नमेंट सब्सिडी तो जो देना चाह रही है वो फार्मर्स को देना चाह रही है, और वो ये भी कोशिश करेगी कि इसका इम्पैक्ट जो है सब्सिडी का, इसका इम्पैक्ट क्योंकि ये कॉस्ट को कम कर रहा है, तो कॉस्ट कम होने की वजह से प्राइस कम हो और फिर इसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी पहुंचे, ठीक है। सब्सिडी इज़ एन अमाउंट पेड फॉर एवरी यूनिट प्रोड्यूस, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट टू द फार्मर्स ऑफ द सप्लाइंग गुड्स एंड मूव टू द सप्लाई कर्व डाउन एंड आउट। ये इसी तरह से है, उसको हम देखेंगे कि इससे सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होता है। अगर आप लोगों ने, मुझे यकीन है कि बेसिक इकोनॉमिक्स तो पढ़ी होगी, उसके अंदर यही होता है कि जनाब के एक सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व है। तो अगर प्राइस चेंज होती है तो डिमांड चेंज हो रही है या सप्लाई चेंज हो रही है, तो वहाँ पर मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व होती है, सप्लाई के ऊपर या डिमांड के ऊपर। लेकिन प्राइस के बजाय किसी और चीज़ की वजह से अगर डिमांड इफेक्ट हो रही होती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से सप्लाई का भी यही है कि सप्लाई जो है वो शिफ्ट होती है इफ़ इट इज़ अफेक्टेड बाय अदर थिंग्स या अदर देन प्राइस या नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से जो है हमेशा उसमें कॉस्ट में कर्व के अंदर शिफ्टिंग जो है वो ऑब्जर्व की जा रही है। ओके जी, ये है जनाब इस तरह से। अब हम देखते हैं, आप लोगों को ये नज़र, आप लोगों के साउंड में आ रहा है ये? हेलो जी, जी सर। अच्छा अच्छा, ओके जी, ठीक है, राइट। अच्छा देखें, ये एक मार्केट कंडीशन है एंड और ये जो मार्केट कंडीशन है इसमें क्या हो रहा है कि एक सप्लाई है और एक जो है वो डिमांड है, ठीक है। सॉरी, मैं एक मिनट इसको दोबारा शेयर करूं। जी, तो ये डिमांड कर्व है और एक तरफ सप्लाई कर्व है, और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो पीई जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वेयर डिमांड एंड सप्लाईज आर इक्वल। तो ये जाहिर बात है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अच्छा, ये हम इफ़ेक्ट ऑफ सब्सिडी देखेंगे। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है फूड स्टफ के ऊपर, तो और ये ऐसी कंडीशन है कि इसके अंदर ये ऑलरेडी जो है हम सेल्फ सफिशेंट हैं, यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि जनाब इसके अंदर कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है या कोई और इस तरह का नहीं हो रहा है कि जिसका ऐसे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, बल्कि गवर्नमेंट सब्सिडी तो जो है ऐसी दे रही है और उसका यह है कि जनाब के वो कीमतों को कम करे, उसको डाउन करे, इस वजह से सब्सिडी देती है। अच्छा जी, सबसे पहले गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी,
ये है सब्सिडी, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जनाब ये हम सब्सिडी जो है फार्मर्स को दे रहे हैं, इसी वजह से सप्लायर के ऊपर फ़र्क आएगा, डिमांड के ऊपर फ़र्क नहीं आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस प्राइस के ऊपर सब्सिडी की वजह से सप्लाई कर बाहर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, या राइट वर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इतना शिफ्ट होगा कि जितनी आपको सब्सिडी जो है वो दी जा रही है, जाहिर बात है किसी ना किसी अमाउंट से ही शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व होगा। तो ये जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा तो वो सब्सिडी के अमाउंट के साथ होगा। इट मींस कि अब क्या हो रहा है, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ये होगा कि जहाँ पर डिमांड सप्लाई वो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा एनालिसिस तरह से करते हैं कि जनाब जब सब्सिडी मिली तो सप्लाई जो है वो चेंज हो गई, सप्लाई जो है वो बढ़ गई, और सप्लाई इंक्रीज़ हुई उसी प्राइस के ऊपर जो कि यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, जब ये ऊपर तक पहुँच गई इसका मतलब है कि ये सप्लाई Q2 तक पहुँची है, जबकि डिमांड जो है उस प्राइस के ऊपर QE है, ठीक है ना। डिमांड कर्व तो वहीं का वहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सरप्लस है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। जब कीमत कम होना शुरू होगी तो फिर ये कहाँ पर आएगी जनाब, के इस पॉइंट के ऊपर P1 के ऊपर, यहाँ पे कट कर रहा है। और जब इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगी तो जाहिर बात है कि ये पॉइंट प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी जो है अलॉन्ग द मूवमेंट इसको ये नीचे आएगी, बहुत सारे लोग बिजनेस से निकल जाएंगे। और इस प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड भी जो थी पहले QE थी तो वो बढ़ के यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो Q1 होगा। इस तरह की सब्सिडी में नेट इफेक्ट क्या आ रहा है कि क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई है और क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई है और प्राइस जो है वो नीचे आ गई है। अगर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइस रिड्यूस होनी चाहिए तो इस किस्म की सब्सिडी देने की वजह से क्या हुआ है, गवर्नमेंट का जो है ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा कि सप्लाई कम हो गई है, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि जनाब सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी कितनी है। देखें, अगर ये डिमांड है इस प्राइस के ऊपर, अगर गवर्नमेंट को सब्सिडी ना दे रही होती तो फिर क्या होता कि जनाब अगर इतनी क्वांटिटी वो चाह रही है कि सप्लाई हो तो फिर इतनी प्राइस होनी चाहिए थी जब जाके वो सप्लाई करता, ठीक है ना। आ रही ना बात समझ में, कि अगर वो चाहते हैं कि जनाब गवर्नमेंट चाहती है कि ये प्राइस हो और इस प्राइस के ऊपर इतनी डिमांड मीट हो, तो इतनी डिमांड की सप्लाई मीट करने के लिए ज़रूरी है, सप्लायर कह रहा है कि अगर सब्सिडी ना दी जा रही होती तो फिर ये प्राइस होती तो फिर वो इतना सप्लाई कर रहा होता Q1 के ऊपर। तो इट मींस कि जनाब कि ये जो पूरा एरिया है P1 का, ये सारा का सारा ये क्या है, ये सब्सिडी है। और ये सब्सिडी किसके पास जा रही है, एक्चुअली सवाल ये पैदा होता है कि सब्सिडी जा किसके पास रही है। देखें, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि कोई बता सकता है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, कुछ याद है थोड़ा सा? याद नहीं है सर। जी सर, याद नहीं है, पढ़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, देखें अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ ना, अब जैसे मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, जरा सा एक मिनट ठहर जाए। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अगर ये प्राइस है, ठीक है, अगर प्राइस ये यहाँ पर आ जाए जहाँ मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो ज़्यादातर टोटल डिमांड क्यू से नीचे होगी। लेकिन जो कंज्यूमर यहाँ की प्राइस देने पर तैयार है, जो ऊपर है, लेकिन डिमांड कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है कि जनाब उसको ये प्राइस देनी पड़ रही है, तो उसका सरप्लस हो गया ये, ठीक है ना। आप बाज़ार में लेके जाते हैं, कहते हैं कि नहीं जनाब मैं जीन्स की पैंट 1500 रुपये में ख़रीद लूँगा, ठीक है, लेकिन मिलती कितनी में है, 1200 रुपये मिल जाती है, तो आपका सरप्लस हो गया ना ये, तो ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया। तो अगर हम ग्राफ के अंदर देखेंगे द एरिया अंडर द डिमांड कर्व बट ओवर प्राइस लाइन, ये सारा का सारा क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ प्राइस नीचे है, इसके ऊपर क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पर होगी। इट मींस कि जनाब ऐसे सप्लायर मौजूद हैं जो इस प्राइस को भी पे भी सप्लाई करने को तैयार हैं, लेकिन मार्केट कंडीशन ऐसी है कि जनाब वो इतना ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कि उनको ज़्यादा प्राइस मिल रही है। वो तो इस पर भी तैयार थे, उनको इतना में भी जो है इनकी वायबिलिटी थी इनके बिज़नेस की, मगर वो इतनी प्राइस जो है जब उनको देना पड़ रही है, तो व्हाट डज़ इट मीन कि जनाब क्या हो रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा सरप्लस, एक ये है प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। इसी तरह से बढ़ते चले जाएँ, कोई और थोड़ा सा प्रोड्यूसर होगा जो कि इस प्राइस पर तैयार होगा, कोई इस प्राइस पर तैयार होगा, कोई इस प्राइस पर तैयार होगा, लेकिन सबको जो हो रहा है वो इसके ऊपर हो रहा है। तो
जो मार्केट में जो 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 प्राइस प्रिवेल कर रही है वो इतना है, तो रेवेन्यू जाहिर बात है हर किसी को इस प्राइस के लिहाज से मिल रहा है। तो इस तरह से एरिया अंडर द प्राइस लाइन बट ओवर द सप्लाई कर्व, ये क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। ठीक है, अब हम कहते हैं जनाब कि इसके ऊपर जो है सब्सिडी दी गई। और सर ये स्टेटमेंट रिपीट कीजिएगा जी, प्रोड्यूसर सरप्लस का स्टेटमेंट रिपीट कीजिए। प्रोड्यूसर सरप्लस को आप सिंपल अभी ये याद रखें, मैं थोड़ा सा बताता हूँ बाद में क्योंकि मैं आगे आ गया हूँ। एरिया अंडर द प्राइस लाइन बट ओवर द सप्लाई कर्व, ये जो बना हुआ था ना इस तरह से, ये लाइन थी ना पहले, ये लाइन यहाँ से लेके ये जो ट्रायंगल बन रहा है इधर तक का, ठीक है ना, ये सारा का सारा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है, अब जनाब हो गया ये चेंज। अब हुआ क्या है, ये लाइन हो गई है, इस लाइन के ऊपर पहले ये जो था पॉइंट जो था इस वाले सप्लाई कर्व के ऊपर था, तो ये क्या था? प्रोड्यूसर सरप्लस था। लेकिन अब ये किसका पार्ट हो गया? कंज्यूमर सरप्लस का, इसलिए कि ये डिमांड के नीचे है लेकिन प्राइस के ऊपर है। ठीक है, और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया कि पहले जाहिर बात है क्या कहते हैं कि ये यहाँ तक था, अब ये इधर से तो कम हुआ है प्रोड्यूसर सरप्लस जो कि, लेकिन इस साइड पर ये बढ़ गया है क्योंकि अभी हो गया ना, अब जो ट्राइंगल है वो यहाँ से नहीं है बल्कि पी वन से इस पॉइंट से है, तो जाहिर बात है इसका भी जो है एरिया बढ़ गया, तो इसका भी सरप्लस बढ़ गया है और कंज्यूमर का सरप्लस भी जो है वो बढ़ गया है। मैं थोड़ा सा और इसको आगे करता हूँ, ये इस पे देख लेते हैं। ये तो गवर्नमेंट का ये एक सब्सिडी थी जो के किस पे किसको शिफ्ट हुई, कुछ हुई शिफ्ट फार्मर को यानी सप्लायर को, लेकिन साथ साथ सरप्लस किसको मिला? कंज्यूमर को भी। तो सब्सिडी से जो है दोनों वेल ऑफ रहे, और वेल ऑफ क्यों नहीं रहेंगे? इसलिए कि ना डिमांड करने वाले को और ना ही सप्लाई करने वाले को, उन दोनों को कुछ खर्च किए बगैर ही फायदा हो रहा है, तो जाहिर बात है कि दोनों को सरप्लस ही मिले ना उसके अंदर। ठीक है, हाँ, अब आप क्या कह रहे थे दोबारा बताइए, कुछ सवाल पूछ रहा था आप में से, कोई पूछ रहा था ये प्रोड्यूसर सरप्लस को आप समझ लें कि एरिया अंडर द प्राइस लाइन एंड ओवर द सप्लाई कर्व, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। इसकी मिसाल मैंने ये दी थी कि जनाब जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये पॉइंट है जहां पर मैंने कर्सर अभी रखा हुआ है, इस प्राइस के ऊपर यहां सप्लाई कर्व को टच कर रहा है, तो इतनी सप्लाई तो हो रही है, तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर तो है ना जो कि इस प्राइस के ऊपर भी, कम प्राइस के ऊपर भी सप्लाई करने के लिए तैयार है। लेकिन मार्केट के अंदर क्या हो रहा है जनाब, ये इतना प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, वो तो इतनी प्राइस के ऊपर भी सप्लाई करने के लिए तैयार थे और उनका बिजनेस वायबल था, लेकिन अब कितना हो रहा है? इतना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, हाँ, तो जाहिर बात है इसका मतलब है कि उनका सरप्लस हो गया, कि वो कम प्राइस तो बेचने को तैयार है लेकिन मार्केट के अंदर ज़्यादा प्राइस मिल रही है, तो जाहिर बात उनको फ़ायदा ही है, उनका सरप्लस है ये। ठीक है, और ये जो जो आपका ये जो ये रेक्टेंगल जो बना हुआ नज़र आ रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है जो कि कंज्यूमर को भी ट्रांसफ़र हुई है और साथ साथ प्रोड्यूसर को भी ट्रांसफ़र हुई है। टू पार्ट्स टू द सब्सिडी इन दिस एग्जांपल, गेटिंग हायर प्राइस पीजी बट आल्सो सेलिंग मोर एस वन, और डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइस। इलास्टिसिटी पे ज़ाहिर है कि डिमांड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अगर ये कर्व जो है फॉर एग्जांपल कि ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता तो फिर ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंच रहा होता, ज़ाहिर बात है फिर ज़्यादा फ़ायदा ज़ाहिर है कि कंज्यूमर को ज़्यादा पहुंच रहा होता, प्रोड्यूसर को इतना नहीं पहुंच रहा होता। अगर यही डिमांड कर्व बिल्कुल ऐसा वर्टिकल होता या क्लोज टू वर्टिकल होता तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा फ़ायदा फिर सप्लायर को पहुँच रहा होता, तो ये इलास्टिसिटी की वजह से जो है क्या कहते हैं लोगों का सरप्लस कम या ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, ये जो मार्केट कंडीशन थी पहले वाली, इसके अंदर हमने कहा था इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व नहीं है, डोमेस्टिक सप्लाई एंड डोमेस्टिक डिमांड,